इन कैटेगरीज आपके टाइप पेरेंट फ्रेंडली है या डिस्काउंट फ्रेंडली है, स्मार्ट होना चाहिए इसको, देखना चाहिए क्लाइंट की नीड क्या है कि किस तरह से इस क्लाइंट को डील किया जा सकता है, किस तरह से इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसे अपनी चीज बेची जा सकती है। अगर वो नहीं भी लेना चाह रहा, जैसे सर ने कल बताया था कि 3 बुक्स मेरी शूटिंग है, उसी जगह पे जाके मैं 54 बुक्स लिखवा के, सेल्समैन में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि खाली बैकवर्ड बैक स्टेप ना हो जाए कि एक जगह से नहीं लग रही, यहाँ पे नहीं, कोशिश करना ना छोड़े, मैनिपुलेट उसे करते रहना चाहिए कि कस्टमर उसको किसी तरह किसी तरीके से क्लाइंट को अपनी चीज सेल्स करते सेल कर दे अपने क्लाइंट को किसी ना किसी, यानी क्लाइंट हाथ से दूर नहीं जाना चाहिए, उसकी डीलिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। गुड, ओके, माशाल्लाह जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। कमोबेश सेल्समैन से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एक तो वो मैनिपुलेटिव माइंड का हो, कि उसे मैनिपुलेट करना आता हो, मैन टू मैन कैसे टॉक करनी है, कैसे बात करनी है, उसके अलावा वो कम्पिटेटिव एक मार्केट के अंदर काम कर रहा है तो उसकी किस तरह से उसकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, किस तरह से वो अच्छे तरीके से काम करे, अपने मार्केट कंपेटिटर के साथ मिलकर किस तरह से वो अपनी सेल्स को निकाल सकता है, अपने बिजनेस को निकाल सकता है, शार्प माइंडेड हो, वेल नॉलेज हो, गुड कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, नो डाउट दीज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सेल्समैन को अगर हम एलैबोरेट करें, इस सेल्समैन को, तो सेल्समैन से क्या मुराद है, आपको उसके अंदर और उन डोमेन्स के अंदर अपनी पर्सनालिटी को लेकर आना है, ठीक है जी। सबसे पहले एस फॉर सेल्स, शॉप शॉप स्पोर्टिव स्पोर्टिव टू क्लाइंट नीड। एक जो सेल्समैन होता है ना, उसको इससे गर्ज नहीं होती कि मेरी प्रोडक्ट सेल हो जाए, बस जी मैंने बेच के जानी, जैसे गंजे को कंघी बेचना एक बहुत अच्छा मुहावरा आजकल चलता है कि भाई अफ्रीका में कुल्फियां या माउंट एवरेस्ट पे आपने कुल्फियां बेचनी है या बर्फ पड़ रही है कुल्फियां बेच रहे हैं, ठीक है, वहां पे कावा फेंकते हैं, तो आपने वो बेच ली, वो स्किल आप में आ गई, तो आप एक बहुत अच्छे एक सक्सेसफुल सेलमैन बन जाते हैं। तो एक जो सेलमैन, एक अच्छा सेलमैन होता है वो क्या होता है, वो अपने क्लाइंट की नीड को प्रायोरिटाइज करता है। सबसे पहली बात जो उसके अंदर आ जाती है वो ये होती है कि वो अपने क्लाइंट की नीड को सामने रखे, अपने अपनी बात को वो जोर ना दे, यानी वो कह रहे हैं भाई मुझे नहीं चाहिए आपके साथ ले लें, वो कह मुझे सर दर्द है, आप कहें भाई पेट दर्द की दवाई दे रहा हूं ले लें, तो आप वो चीजें नीड को अंडरस्टैंड ही ना कर रहे हो, उसकी आप उसकी नीड को समझ ना रहे हो, तो आपको सेल्समैन का एस टॉप वन आपके अंदर, एक अच्छे सेल्समैन के अंदर जो सबसे पहली चीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपने वो काम किया लास्ट टाइम किसी में नहीं, उससे पहले आइडियाज में काम किया, अब आपके पास एक बंदा आ गया, उसे जो है वो खाड़ी चाहिए या उसे एक खास किस्म का कपड़ा जो है वो उसे खद्दर में चाहिए या उसे लोन में चाहिए या उसे किसी में चाहिए, तो आप उसे क्या कह रहे हैं, आप वो मांग खदर है, आगे से लॉन में बहुत अच्छी वैरायटी पड़ी हुई है, सर ये एक और टाइप का कपड़ा आया नया, इस पे बड़ी अच्छी, वो कह रहे नहीं सर मैंने ये लेनी है आपसे, तो क्या आप क्लाइंट की नीड को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका वहां सर ये नहीं है, अभी इसमें इतनी ब्रांड है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप चक्कर लगेगा आपको वैरायटी मिल जाएगी। तो आपको किसके साथ अलिंक होना है, क्लाइंट की नीड के साथ सपोर्टिव होना है। पॉइंट टू, एडजस्टेबल टू क्लाइंट नीड। भाई आपको उसकी नीड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होना है, इससे क्या मुराद है, आपके पास इंग्लिश उर्दू मैथ कंप्यूटर ड्राइंग सारी किताबें हैं, कुछ ये मतलब ठीक है, अब आप गुंजाइश ही निकलती है कि सिर्फ इंग्लिश लगाने के लिए वो एग्री है, तो एडजस्टेबल टू क्लाइंट नीड, आप उसे ये ना कह सर हमारी मैथ भी लगा लें उर्दू भी लगा लें, बात नहीं समझ, जो उसकी नीड है जितनी उसकी, अगर उसकी प्री क्लासेस की नीड है तो आप उसको प्राइमरी क्लासेस पे ना लेकर आए, उसकी नीड के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्टेबल बनाए। एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन। एक अच्छा सेलमैन जो होता है
वो कभी भी इस बात का बुरा नहीं मनाता कि भाई आपको वहां से ऑर्डर मिला है या नहीं मिला, वो दोबारा फॉलो अप करने के लिए या विजिट करने के लिए कभी भी घबराता नहीं है, माइंड नहीं करता। रिजेक्शन रिजेक्शन क्या है, मुझे आपकी चीज नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। उसने घंटा वेट करवाया, करवाने के बाद आपकी बात भी सुनी, सैंपल भी आपसे डिमांड की और कहा सॉरी यार थैंक यू आई विल लेट यू नो, बताऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है? नो वरीज सर, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय ड्यूटी, थैंक यू। मैं नेक्स्ट कब आऊं आप पूछ सकते हैं। सर आप कुछ बताएं। ऑब्जेक्शन, यार आपकी किताब में तो ये चीज ही नहीं है, आप बहुत महंगी किताब बेचते हैं, आप ये कर देते हैं। तो वो सेलमैन क्या होता है, सेलमैन मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाता है मार्केट के अंदर कि उसे अपने क्लाइंट की तरफ से दो चीजों का सामना करना पड़ेगा, किस किस का, ऑब्जेक्शन का भी और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन दो बातों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये आ जाती है, ये जेन में रख लीजिए। अब सेल्समैन कैसे बिल्ड हो रहा है मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। और इसके बाद ई फॉर इंगेज क्लाइंट विथ क्वालिटी क्वेश्चंस। इसके फौरन बाद ये आ गया, क्या कैसे इंगेज करेंगे, क्या क्वालिटी क्वेश्चंस एक सेल्समैन रख सकता है अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। जी सर आप अपनी बुक्स में किसी किस्म का चेंज चाहते हैं या कोई बुक ऐसी जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे गर्ड मुझे इस चीज की जरूरत है, और ये क्लाइंट से पूछ रहे हैं सर आप क्या चाह रहे हैं, आप किस क्वालिटी की जो है ना बुक्स चाह रहे हैं, तो हम उस क्वालिटी की जो है ना बुक्स जो है ना हमारे पास सर हम गैप देखेंगे कि उनको डिफिकल्टी कहाँ पे आ रही है, हम बताएंगे कि हमारी हमारे पास जो बुक्स है उनमें ये चीजें प्लस पॉइंट है हमारे पास। सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, वो प्रॉब्लम ऑब्जेक्शन रिजेक्शन में आपके सामने आ जाएगी, फिर इससे लिंक करके आपने उनको क्वालिटी क्वेश्चंस भी इंगेज करें। वो क्वालिटी क्वेश्चंस जो आपने बताया, जो आपने बात की, इसी के राउंड अबाउट होंगे, ठीक है। आपने उन्हें इंगेज करना है किसी सिनेरियो में इंगेज करके, तो आपने उनको जो है वो अपनी बात की तरफ कन्विंस करना, अपनी बात की तरफ लेकर आना, बात समझे, ठीक है। एस फॉर अब जो ऑब्जेक्शन लगे उसको आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया क्वेश्चनों के जरिए से, समझ भी लिया। अब एक सेलमैन तब सक्सेसफुल होता है जब वो उसको उसके रिजेक्शन ऑब्जेक्शन का क्या दे, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करे, उसको बताए कि भाई सर इसके लिए हमारे पास ये सॉल्यूशन है, इसके लिए ये है। और कल एक बात आपने बड़ी अच्छी पूछी थी कि सर अगर किसी बात पे वो सवाल कर दे और हमें ना पता हो तो आपको वहां पे क्या कहना है, सीनियर से कंफर्म करके या सीनियर के साथ आपकी मीटिंग करवाता हूं और वो चीजें आपको बताता हूं, ठीक है। तो आपको एक सॉल्वर बनना है, एक सॉल्यूशन एक आपने क्रिएट करना है। एम फॉर मेक रिलेशंस, एक अच्छा सेलमैन पहले क्या करता है, फॉर्मूले पे अप्लाई करता है, वो क्या करता है, रिलेशन कनेक्ट देन फॉर्मूला निकालता है, इससे पहले कनेक्शंस बनाता है, पर्सनल रिलेशंस बिल्ड करता है। सर आपकी लाइक्स क्या हैं, सर आप बच्चे कैसे हैं, आपके खैरियत से हैं, ठीक है। सर आप कहाँ से हैं, अच्छा सर अच्छा, मेरी ददयाल वहां पे होते हैं, मेरे ननियाल वहां पे होते हैं, लिंक्स निकालें, मेक रिलेशंस, टेक्निक्स आनी चाहिए, रिलेशंस बिल्ड कैसे करने हैं नए क्लाइंट के साथ आपने। जब कनेक्शन बन गया वो बंदा फेवर करेगा, वो कहेगा यार हमें तो इसको देनी है चीज, हमें तो किसी और को देनी नहीं है, बात नहीं समझे आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिलेशंस कनेक्शन बनाना, हाँ जी।
ए फॉर आंसर टू देयर क्वेश्चन. वो आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको उसके क्वेश्चंस का आंसर करना चाहिए. क्वेश्चन पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए. अमूमन क्या होता है, हमारे यहां एक रिवायत चली हुई है कि सवाल करता है एक इंसान, थोड़ा ट्रिकी माइंड शार्प माइंडेड बंदा जो होता है वो क्या करता है, वो क्वेश्चन के अंदर से एक क्वेश्चन निकाल करता है, सर पहले आप ये बताएं फिर मैं उसका जवाब दूंगा. भाई एक अच्छा सेल्समैन जो होता है वो इंटरव्यू लेने वाला नहीं होता, वो उसका जो सवाल है उसका सीधा सीधा उसको जवाब दे, नहीं आता एक्सक्यूज कर ले. नहीं बात समझ रहे आप? ठीक है. अच्छा एंड क्या है, जी बताएं क्या हो सकता है सेल्समैन. अब आपको मैंने सीरीज पढ़ा दी है सेल्समैन की, तो आप बताएं सेल्समैन कैन स्टैंड फॉर Never see as money. एक अच्छा सेलमैन अपने क्लाइंट को पैसे की नजर से सिर्फ नहीं देखता कि मैंने इससे पैसा कमाना है, वो उसे कुछ वैल्यूज कुछ क्वालिटीज भी डिलीवर कर रहा होता है. वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को नजरियों को जेन में रख के नहीं जाता कि जी मैंने सिर्फ इससे पैसे लेने हैं और इसे अपनी चीज थोपनी है और इससे आ जाए. आपने उससे साल हा साल बिजनेस लेने, तो एक अच्छे सेलमैन की एट्रीब्यूट्स को अगर हम किसी के लेटर से निकालें तो वो सेलमैन एस फॉर वो जो सपोर्टिव टू क्लाइंट नीड होता है, एडजस्टेबल टू नीड हो जाता है, और वो ऑब्जेक्शन रिजेक्शन को स्माइलिंग फेस के साथ एक्सेप्ट कर लेता है, एंगेज करता है उसे किसके साथ, क्लाइंट की क्वेश्चंस के साथ, एस फॉर सॉल्वर बनता है, उसके उसके जो माइंड के अंदर ऑब्जेक्शंस हैं, जो उसकी वीकनेसेस हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करता है, जो प्रोडक्ट के बारे में मिसकंसेप्शंस आ जाते हैं, एक गलत फहमी पैदा हो जाती है, तो वो क्या करता है उसको सॉल्व करता है और रिलेशन बनाने की कोशिश करता है कि मैंने इससे हर साल बिजनेस लेना है, इससे रिलेशंस बनाने की कोशिश करता है. और फिर क्या करता है वो उसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं रिलेशंस बनाने का अगला मरहला फिर क्वेश्चंस पे आ गया कि वो कुछ सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप कहाँ से हैं, आप कब से काम कर रहे हैं, आप कितना जानते हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो वो आपको क्या करना है क्वेश्चंस का आंसर करना है. एंड फॉर नेवर सी देम एज मनी, वो सिर्फ आपने उन्हें अपने लिए वो पैसों का पेड़ नहीं देखना कि मैं गया पैसे उतारे आ गया, बल्कि आपने उनके साथ रिलेशन भी बना रहे हैं, नीड्स को भी उनके साथ लिंक कर रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्शंस भी आप ले रहे हैं, तो आपको उसको नेवर सी देम एज ए मनी. आपने उसे लॉन्ग टर्म रिलेशन के साथ लेकर चल, तो यहां पे आपके कोई सवाल है अगर तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई आप क्वेश्चन यहां पे पूछना चाहें तो आप मुझसे कर लें, फिर हम उसके बाद थोड़ा सा आगे मूव करते हैं. ये सिर्फ इंट्रो में आपको चीजें बताएंगे, डिटेलिंग में आगे हम इंशाल्लाह कुछ टेक्निक्स एंड स्किल्स के हवाले से बात करेंगे. ये अभी सिर्फ बताया कि यू आर हायर्ड एज ए सेल्समैन, आप सेल्समैन के तौर पे हायर किए गए हैं, मार्केटिंग के तौर पे हायर किए गए हैं, तो आपको किन किन एट्रीब्यूट्स के साथ मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए क्लाइंट्स को सामने रखते हुए, किस तरह से आपको वेल प्रिपेयर्ड होके आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ जो है वो इस प्रोफेशन में आना है कि ये चीजें मेरी स्किल्स हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, इनके ऊपर मैंने प्ले करना है. जी सवाल ही आपके हैं सर, क्लाइंट अगर सवाल करता है जैसे आपने पूछा, पूछ लेता है कि आप कब से काम कर